भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंत ही, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीते 3 कांग्रेसी विधायकों ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तीफा दे दो, लेकिन इनमें से 2 कांग्रेसी विधायक भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वे कांग्रेस के विधायक हैं। और ऐसी सुर्खियाँ हैं कि ये लोग अपनी कांग्रेस की सदस्यता जारी रखने को भी का प्रयास कर सकते हैं। आप सोचो कि जा कैसी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पट्टो पेल्लो है। राम निवास रावत ने, जो मुरैना जिला से विधायक हैं और सागर जिला की बीना से विधायक निर्मला सप्रे ने भी भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल वालों पट्टो सबके सामने सरेआम पहने, और ई के बाद भी अभय जी कांग्रेस के विधायक हैं। बताओ कैसे ये ईसे हैं, काय के इनने अभी तक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दो है। इनने केवल भारतीय जनता पार्टी को पट्टो भर पेरे है, और तकनीकी तौर पे अब ये कांग्रेस के विधायक हैं। और ये कब तक कांग्रेस के विधायक रह सकत, जो भी हम आपको बता रहे हैं ई के पीछे की पूरी नियम शर्तें भी। दरअसल साल 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए देश में दल बदल विरोधी कानून पारित करेगा तो, और इको संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ेगा तो, ये कानून को मुख्य मकसद है भारतीय राजनीति में दल बदल पे लगाम कसबो। लेकिन इसके बाद दल बदल तो नहीं रुकी, लेकिन कछु नियम कानून जरूर ई में डाल दे गए। दल बदल कानून के अनुसार अगर निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से कोनो राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देते तो फिर उनकी सदस्यता चली जाने। दूसरों के कोनो निर्वाचित सदस्य कोनो अन्य दल से जीत हासिल करते हैं और फिर कोनो अन्य दल में शामिल हो जाते। और तीसरों कोनो निर्वाचित सदस्य सदन में पार्टी के रुख के खिलाफ वोट करते हैं या फिर कोनो सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग करते हैं व्हिप के बाद भी, या फिर 6 महीने की अवधि के बाद कोनो मनोनीत सदस्य कोनो राजनीतिक दल में शामिल हो जाते तो कानून को पालन करत भय उनकी सदस्यता खत्म करी जा सकत है। और ई कानून के अनुसार विधानसभा या सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देवे संबंधी निर्णय लेवे की शक्ति है। अध्यक्ष जी दल से हैं, अगर शिकायत वही दल से संबंधित है तो सदन में मौजूद चुने गए कोनो अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने को अधिकार है। इन नियमों से साफ है कि चुने गए जनप्रतिनिधि ने अगर जीत के बाद पार्टी बदली है तो ऊखो अपने पद से इस्तीफा देने पड़े, फिर ऊपर उपचुनाव हुई है, जो नियम राम निवास रावत पे भी लागू होते हैं और निर्मला सप्रे पे भी। यानी पार्टी बदलते ही साथ 2 जनन को विधायक ही भी छोड़े चाहिए, लेकिन सरेआमी ऐलान के बाद भी ये 2 ही नेता दल बदल विरोधी कानून को पालन नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक फिलहाल ये 2 नेता कांग्रेस पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के संगे इनने अपनी विधायकी से इस्तीफा नहीं दो है। यानी ये अभी भी विधायक हैं और विधायक की के हैं कांग्रेस पार्टी के। अगर ये अपनी विधानसभा से इस्तीफा देते हैं तो फिर से उपचुनाव हुई है, उपचुनाव के बाद फिर इनको राजनीतिक भविष्य तय हुई है। काय के मध्य प्रदेश में एक और विधायक जो छिंदवाड़ा जिला के हते कमलेश शाह, उनने कांग्रेस से इस्तीफा देवे के संगे संगे विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दो तो, यानी अब भी विधायक नहीं है, होते उपचुनाव हुई है, फिर भी भाजपा की टिकट पर लड़ें नहीं लड़ें वो अलग विषय है। लेकिन फिलहाल ये जो 2 विधायक हैं, निर्मला सप्रे बीना की विधायक और मुरैना जिला के विधायक राम निवास रावत जी, अब भी तकनीकी तौर पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। अब देखने जो ये कि जे विधानसभा से इस्तीफा काय नहीं दे रहे, काय इनके मन में कछु और चीज़ें चल रही हैं जो कछु दिनों में पतो चले। फिलहाल भाजपा को पट्टो पेरे और विधायक हैं जी कांग्रेस के। राम राम। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।